शराब कारोबारी विजय माल्या को बुधवार को ब्रिटेन उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ अपील करने की इजाजत नहीं मिली, जिसमें अदालत ने बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस के कर्ज के संबंध में शुरू की गई दिवालिया कार्रवाई को खारिज करने से इनकार कर दिया। यह दिवालिया कार्रवाई भारतीय स्टेट बैंक की अगुवाई में भारतीय बैंकों के एक समूह द्वारा की जा रही है। ब्रिटेन में जमानत पर बाहर रह रहे 65 वर्षीय कारोबारी ने ब्रिटेन उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ नई अपील दाखिल की थी, जिसमें भारत के उच्चतम न्यायालय में ब्याज के मसले पर फैसला आने तक दिवालियापन की कार्रवाई स्थगित करने की अनुमति मांगी गई थी।